वेलकम टू माय चैनल, दिस इज रोशन शर्मा एक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, फाइनली कल आप एग्जाम लिखने जा रहे हो। मैथमेटिक्स का एग्जाम है और मैं समझ सकता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड है, बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान भी है कि किस तरीके का पेपर आएगा, किस टाइप का पेपर आएगा, पेपर इजी होगा या हार्ड होगा, हम लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में फिर रहे होंगे। बट ये स्टूडेंट्स देखिए, टेंशन लेने से कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि आपको टेंशन लिए भी तो एग्जाम लिखना है, टेंशन नहीं भी लिए तो एग्जाम आपको लिखना ही है। पेपर हार्ड आए तो भी आपको एग्जाम अटेंड करना है, ईजी आए भी तो अटेंड करना है, इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है आपके पास, कोई शॉर्टकट रास्ता अपनाने के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जहां तक समझता हूं कि पेपर इजी आएगा, और मैं ऑलरेडी सारे वीडियोस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अपलोड कर चुका हूं। एक बार एक एक वीडियो करते हैं देखिए, और जितने आपने प्रैक्टिस किए हैं उनको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है, सिर्फ आपको मॉर्निंग तक ही टाइम बचा हुआ है। इस वीडियो को आप देख रहे होंगे तब से, जितना भी बन पाता है करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप यहां पर नहीं करोगे तो फिर नेक्स्ट ईयर तक आपको वेट करना पड़ेगा। कुछ भी कीजिए, पूरा नाइट बैठिए, आप सुबह तक बैठिए, लेकिन अच्छी तरह प्रैक्टिस करके जाइए। एटलीस्ट इतना प्रैक्टिस कीजिए कि आपको 28 मार्क्स आपको आराम से आ जाना, इतना आप प्रैक्टिस कीजिए। नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, क्योंकि नए क्वेश्चंस के चक्कर में पड़ जाएंगे तो पुराने क्वेश्चंस आप भूल जाएंगे, जिसको रिवीजन करने का आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भी उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर अच्छा जाए, आप सब पास हो जाए, आप सब अगर कॉलेज में एडमिशन ले, यही मेरे शुभकामनाएं हैं। कुछ टिप्स मैं बतलाऊंगा मैथमेटिक्स का पेपर किस तरह प्रेजेंटेशन करना चाहिए। देखिए माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पेपर दिया जाएगा। पेपर देने के बाद आपको फर्स्ट सेक्शन में ग्रुप ए में आपके रहेंगे 1 to 6 क्वेश्चंस रहेंगे, और ग्रुप बी में रहेंगे आपको 7 to 12 क्वेश्चंस। आपको क्या करना है, यहां से आपको लिखना है 3, यहां से आपको लिखना है 3। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पेपर जैसे ही लेते ये 3 में से आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं टिक करना है, यहां से कितने आ रहे हैं आपको टिक कर लेना है, जो परफेक्ट आते हैं उसको अंडरलाइन करना है। उसके बाद आपको मिलेगा सेक्शन सेकंड, यहां पर 8 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, सिर्फ आपको लिखना है 4। उसके बाद थर्ड सेक्शन आ जाएगा, ग्रुप ए में आपको दिया जाएगा 4, लिखना है 2, और ग्रुप बी में आपको दिया जाएगा 4, लिखना है 2। मैं जहां तक समझता हूं आप पेपर की शुरुआत यहां से कीजिए, क्योंकि यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। अब स्टूडेंट ये भी सोच रहे होंगे, सर हम फर्स्ट सेक्शन से स्टार्ट करेंगे, सेकंड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमको आता है या हमारी मर्जी पर डिपेंड है, आप क्यों कह रहे हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मेरे एक्सपीरियंस के तहत कर रहा हूं, जो स्टूडेंट अच्छा करते हैं करिए, कोई बात नहीं है। जो स्टूडेंट्स नॉर्मल स्टूडेंट्स है, जो मिडिल क्लास मीडियम स्टूडेंट्स है, जो ज्यादा नहीं पढ़ सके हैं, उनके लिए, क्योंकि ये सेक्शन आपको 32 मार्क्स देने वाला सेक्शन नहीं है। अगर आप ये सारे मार्क्स मिला लेंगे, यहां पर अगर आप मिला लेंगे 6 to 12 मार्क्स, यहां पर मिला लेंगे 4 to 16 मार्क्स, ये दोनों भी अगर ऐड करेंगे तो आपको सिर्फ 28 मार्क्स हो रहे हैं। कितने मार्क्स हो रहे हैं? 28। ये 4 क्वेश्चंस के बराबर भी सारे क्वेश्चंस नहीं है, यहां से 6 और यहां से 4, 10, ये 4 क्वेश्चंस के बराबर भी 10 क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं। और आप जानते हैं ये 4 क्वेश्चंस इजी आएंगे। फर्स्ट ग्रुप में से आप देखेंगे तो आपको रियल नंबर में से एक मिलेगा किसी तरह, सेट्स में से भी मिलेगा आपको, क्वाड्रेट ज्योमेट्री से भी मिलेगा, प्रोग्रेशन से भी मिलेगा, इजी इजी चैप्टर से मिलेंगे, यहां से आप आसानी से मार्क्स गेन कर सकते हो। अगर पूरे कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, मैं एक प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं, एटलीस्ट आप पास हो जाए, क्योंकि इस साल हमको रुकना नहीं है, इस साल फेल होना नहीं है, कंपलसरी पास होना ही है, इसलिए पेपर में बतला रहा हूं। ये 32 सेकंड सेक्शन में देखेंगे तो स्टैटिस्टिक है आपके पास, प्रोबेबिलिटी है आपके पास, ट्रिग्नोमेट्री भी है आपके पास,
इजी चैप्टर्स यहाँ से आपको मिलेंगे दो, यहाँ से करना है आपको चार, आराम से आपको यहाँ के मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ से देखेंगे तो फर्स्ट सेवन चैप्टर में से आपको थ्री लिखना है, वहाँ पे इजी फर्स्ट क्वेश्चन रियल नंबर में से आएगा, लॉग का आएगा या रेशनल इरेशनल का आएगा, उसी तरह सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन, इस तरह आप पहले ये कीजिए, उसके बाद ये सेक्शन कीजिए, उसके बाद ये सेक्शन कीजिए। देखिए इसलिए मैं कहता हूं कि जब पेपर लेते हैं तो आप आराम से टिक कर लीजिए, सब्र से थोड़ा पेशेंस से पेपर को अच्छी तरह पढ़िए, ऐसा ना हो कि हम हड़बड़ाहट में पढ़ रहे हैं कि क्वेश्चन हमको समझ में तो आ रहा लेकिन भूल जा रहे हैं, हम हड़बड़ाहट में घर को आए बाद देख रहे हैं कि अरे ये क्वेश्चन तो मैं कर सकता था फिर भूल गया, तो ये आपको नहीं रहना चाहिए। इसलिए कोई बात नहीं, आपके 15-20 मिनट्स वेस्ट होते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि बाकी का टाइम आपके पास ही रहेगा, आराम से यहाँ पे आप कर सकते हो। कितने मार्क्स का है ये पेपर आपको देखेंगे तो 32 और 28, यहां पर हो गया 60 मार्क्स का पेपर आपको आ रहा है। 20 मार्क्स का आपके पास रहेगा पार्ट बी, पार्ट बी भी इजी आएगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे यहां पर आपको मिलेंगे, वो क्वेश्चंस पार्ट बी में भी आ सकते हैं जिसको आप सॉल्व करके डालना होता है। कोशिश कीजिए जहां तक हो सके लिखने की कोशिश कीजिए, जितना आपसे बन पाता है। अगर एक क्वेश्चन आ रहा है प्रॉपर नहीं आ रहा है, कुछ स्टेप्स आते हैं उसके, उतने स्टेप्स तो आप लिख दीजिए। अगर आप लिख मेरे को क्वेश्चन नहीं आता, ये आखिर लास्ट में आंसर रॉन्ग हो जाता है, छोड़ दे रहा हूं, ये मत कीजिए। जितने आपसे ये क्वेश्चंस में बन पाते हैं, फर्स्ट सेक्शन में से आपको 6 लिखना है, 12 क्वेश्चन 50% आपको दे रहा है। देखिए अगर आपके पास ये 12 क्वेश्चंस है, 12 क्वेश्चंस में से 6 लिखना है, आप आधे 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 लिखेंगे तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो आते हैं आप वो लिख लीजिए, 12 के 6 के बजाय आप 8-10 लिख दीजिए अगर आते हैं तो आपको एक्स्ट्रा, क्योंकि कभी किसी स्टेप्स के मार्क्स अगर कमा रहे, कहीं पर फेल हो रहे हैं तो आपको इसके मार्क्स काउंट करेंगे। यहां पर अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आ रहे हैं तो यहां पर आप कर लीजिए, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स छोड़ के मत आइए। मेरा मानना यही है, मेरा इंटेंशन यही है कि आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। कल का पेपर अच्छी तरह लिखना है, मैंने सारे वीडियोस अपलोड किया है, एक बार सारे वीडियोस को देख लीजिए किस तरीके का पेपर आएगा। ऑलरेडी आप एक्सपीरियंस्ड है क्योंकि मई में आप ऑलरेडी एग्जाम लिख चुके हैं, उसी टाइप का पेपर होगा, आपको टाइम भी 3 hours 15 minutes मिलेगा, उसी टाइम में आपको पेपर सॉल्व करना है, पेपर इजी आएगा। और जो स्टूडेंट्स नॉर्मली हम पढ़े हैं तो वो स्टूडेंट भी एटलीस्ट 28 मार्क्स तो आराम से ला सकते हो। ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट हमारा कॉन्सेप्ट और हमारा फोकस, हमारा टारगेट इतने मार्क्स तो भी होना चाहिए, क्योंकि अगर फेल हो जा रहे हैं, ये मार्क्स हमको अभी नहीं आ रहे, तो नेक्स्ट ईयर तक वेट करना पड़ेगा और नेक्स्ट ईयर सारा इक्वेशन चेंज हो जाएगा, वहां पर पेपर सिंगल पेपर पैटर्न खत्म हो जाएगा, डबल पेपर पैटर्न आएगा, ये चॉइस जो है 50% खत्म हो जाएंगे, 30% रेड्यूस सिलेबस है वो भी खत्म हो जाएगा, सारे इक्वेशन वहां पर चेंज हो जाएगी। तो इक्वेशन को चेंज नहीं होना है तो यहीं पर आपको कोशिश करना है, कुछ भी कीजिए, पढ़िए, मन लगाइए, नाइट बैठिए आप, सुबह तक प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन प्रैक्टिस करके एटलीस्ट ऐसे क्वेश्चंस है जो ऑथेंटिक क्वेश्चंस है, आप जाकर मेरे चैनल पर चेक कर सकते हो कि मैंने रीडर से भी टिक कराया है, वो क्वेश्चंस भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि आपके पास उतना अभी तो टाइम नहीं है, अभी आप जितने पढ़े हैं उसको एक बार रिवाइज करना है। ठीक है, जैसे यहां पर आप देखें, आप क्या करिए, रियल नंबर में से 3m 3m+1, 9m 9m+1 का और रेशनल इरेशनल का एक, √3 + √5 का या √5 का एक, उसी तरह लॉगरिथम्स में से 4 क्वेश्चंस है, लास्ट एक्सरसाइज में से इंपॉर्टेंट 8 7 6 5 5 6 7 8, ये इसके अंदर से एक यहां पर आपको कंपलसरी मिलेगा 4 मार्क्स में 8 मार्क्स में। स्टैटिस्टिक है, प्रैक्टिस कीजिए, अर्थमेटिक मीन एक देख लीजिए और देख लीजिए आप, मॉड का एक देख लीजिए, मीडियन का एक देख लीजिए, एक ओग्योग्राफ का देख लीजिए, यहाँ पर से एक मिलेगा आपको।
प्रोबेबिलिटी में आप डेक कार्ड्स का देख लीजिए, या आप देख सकते हैं पजल्स का, आप देखेंगे वहां पर डाइस का जो है वो क्वेश्चन देखेंगे, वहां से एक आपको मिलेगा। ट्रिग्नोमेट्री है लास्ट एक्सरसाइज में से, के स्क्वायर माइनस वन, के स्क्वायर प्लस वन का एक है, और रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा है। इस तरह ऑथेंटिक क्वेश्चंस है, वे क्वेश्चंस अच्छी तरह देख के जाइए ताकि ये सेक्शन आप आसानी से कर सके। आप लोग सोच रहे हो कि सर आप सिर्फ बतला रहे हो, ये क्वेश्चंस हमको अपलोड कीजिए, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है 3-4 बार। आप जाकर प्ले लिस्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम वहां पर चेक करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस वहां पर आपको मिल जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस फोकस कीजिए, कल आइए, आके गुड न्यूज सुनाइए कि सर हमारा एग्जाम अच्छा गया है, हम अच्छा लिखे हैं, हम कंपलसरी हम पास होंगे, वो आप न्यूज मुझको सुनाना है। देखिए 80 मार्क्स है आपका पेपर, आपको लाना है 80 में से 28 मार्क्स, तो ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स है। अगर आप इधर उधर लिखेंगे तो 10 मार्क्स आपको आराम से आ सकते हैं। एक ग्राफ है, ग्राफ भी चेक कर लेके जाइए पॉलिनोमियल्स का, वहां से भी आपको क्वेश्चन आएगा। लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वहां से भी चेक कर लेके जाइए। उसी तरह आप क्वाड्रेटिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से देखते हैं तो एक डिस्टेंस बिटवीन का, एक m1:2, 2:1 ट्राइसेक्शन का एक देख लेके जाइए, वो क्वेश्चंस आपको पूछेंगे। इस तरह ऑथेंटिक क्वेश्चंस है, वो प्रैक्टिस करके जाइए, अच्छा लिख कर आइए। उम्मीद करते हैं कि आपका एग्जाम अच्छा जाए, ज़्यादा लेंथी में नहीं कर रहा हूँ। और पेपर इस तरह रिप्रेजेंट कीजिए, और पेपर जब लेते हैं तो आप क्या कीजिए, प्रॉपर लिखिए सेक्शन नंबर, ग्रुप ए लिख रहे हैं तो ग्रुप ए, क्वेश्चन नंबर वन लिख रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर वन, मार्जिन से पहले। अगर कुछ फॉर्मूले आपको याद है तो फॉर्मूले को इस तरह हाईलाइट कीजिए, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इस तरह लिख रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरह आपका फॉर्मूला लिख रहे हैं, इसको हाईलाइट कीजिए। इस तरह देखने के लिए पेपर एकदम अच्छी तरह होना चाहिए। चाहे आप इसमें से कोई सेक्शन से स्टार्ट कीजिए, जो आपको परफेक्ट आता है उस वाले क्वेश्चन से आप स्टार्ट कीजिए, लेकिन लिखिए नीट। ओवरराइट करना या ज्यादा काटन कुटी करना, इससे आपके मार्क्स कट जाते हैं। और ऑब्जेक्टिव में भी क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पहले ए लिखते हैं, कट करते हैं, बी लिखते हैं, सी लिखते हैं, कट करते हैं, ए लिखते हैं, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपको डाउट है तो पहले पेंसिल से लिख लीजिए, उसके बाद क्या कीजिए आपने पेन से लिख लीजिए। चलिए कुछ टिप्स है लास्ट मोमेंट में आपको बतलाना, बस ये सारी बातों की एक ही बात है कि आपको पास होना है, अच्छे मार्क्स से पास होना है, और कंपलसरी पास होना है, और मैथमेटिक्स का फेल नहीं होना है। इसी बात के साथ मैं ये एंड करता हूँ। बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स। अगर कोई नए स्टूडेंट्स है इस चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड हर वीडियो तुरंत आप तक मिलता रहे। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स।